बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप अच्छे हम पढ़ने जा रहे हैं जी रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। क्या आपको इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिल कैसे करना है। बच्चे एक बात तो आपके जहन में होगी, मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल में अगर आप 1s लेते हो 2s लेते हो कोई सा वैसा ऑर्बिटल ले लो तो मैक्सिमम एनी ऑर्बिटल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करता हूँ जी px ऑर्बिटल py pz जब आप इसके इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो मैक्सिमम ईच ऑर्बिटल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन। आप कोई ऑर्बिटल ले लो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू आ सकते हैं। दैट वाज द बेसिक थीम, ये भी आपके जहन में होनी चाहिए। नाउ बच्चे अब हम कुछ रूल देखते हैं। फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स एंड द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो बच्चे हमारा पहला रूल है नंबर 1 एन प्लस एल रूल। अच्छा कुछ बातें आपके जहन में होंगी तो इसको समझना काफ़ी आसान होगा। यहाँ पर n और l क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बस जहन में रहे n इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, ये आपको शेल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिट और शेल नंबर मीन्स अगर n 1 है तो शेल इक्वल्स टू k, अगर आपका n 2 है तो शेल इक्वल्स टू l, थर्ड शेल के लिए m और अगर आपके n की वैल्यू 4 है तो शेल इक्वल टू n, तो k l m n 1 2 3 4। तो ये आपके बाद कुछ एक बात तो आपके ये जहन में होनी चाहिए। दूसरी बात जी l रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सब शेल, ये रिप्रेजेंट करता है जी सब शेल्स को। मींस अगर आपके l वैल्यू में 0 आ जाए तो दैट इज योर s सब शेल, अगर 1 आ जाए दैट इज योर p सब शेल, अगर आपके l वैल्यू 2 आ जाए दैट इज योर d सब शेल, और अगर l की वैल्यू 3 आ जाए दैट इज योर f सब शेल। तो ये बच्चे आपके जहन में कुछ पॉइंट्स होंगे तो हमें रूल को समझने में और सीखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। दैट रूल रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स, इट अरेंज्ड द सब शेल्स। द डेफिनेशन इज द सब शेल कम्स फर्स्ट, द सब शेल कम फर्स्ट दैट है स्मॉल n प्लस l वैल्यू। जिस सब शेल की n प्लस l वैल्यू स्मॉल आएगी दैट कम्स फर्स्ट, और जिसकी लार्ज आएगी वो बाद में आएगा। और इफ टू सब शेल्स हैव सेम n प्लस l वैल्यू, अगर किसी दो सब शेल्स की n प्लस l वैल्यू सेम आ जाए तो आप क्या करोगे, देन सब शेल कम्स फर्स्ट दैट हैव स्मॉल n वैल्यू, दैट हैव स्मॉल n वैल्यू। नाउ बच्चे बिफोर द अरेंजमेंट हम इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। लेट वी से थ्री डी सब शेल एंड 4s सब शेल, तो विच कम्स आउट टू बी फर्स्ट। तो अगर आप देखते हो तो ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है, थर्ड शेल के सब शेल को पहले प्लेस करना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी n प्लस l वैल्यू को स्टडी करते हैं, लुक एट दैट दिस नंबर रिप्रेजेंट शेल नंबर दैट्स इक्वल टू n दैट्स इक्वल टू 3, बिकॉज हमारी n वैल्यू जो है वो शेल नंबर रिप्रेजेंट कर रही है। और अच्छा आप चेक करो l के लिए हमारी d वैल्यूज हैं दैट्स इक्वल टू 2। तो ये मैं यहाँ पुट करता हूँ, इसका बच्चे सम आएगा n प्लस l का दैट कम्स आउट टू बी 5, और अगर आप यहाँ फाइंड करते हो इट्स n वैल्यू इज 4 शेल नंबर, l वैल्यू 0 फॉर s सब शेल। ये आप देखें 0 वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप इनको ऐड करते हो आपका सम आता है 4। तो आप चेक करोगे फॉर द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स, रूल इज दैट जिसका n प्लस l स्मॉल आएगा दैट कम्स फर्स्ट। इट मींस कि 4s शुड कम फर्स्ट देन 3d, बिकॉज n प्लस l वैल्यू फॉर 4s सब शेल इज स्मॉल एंड 3d इज लार्ज, सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ सब शेल। नाउ वी सी वन मोर एग्जांपल। जब हम बात करते हैं 2p और 3s विच शुड कम फर्स्ट, तो ज्यादा क्वेश्चन इन जो बोर्ड एग्जाम्स, तो ये बहुत ध्यान से आपको करना है जी। अगेन आप इसकी n वैल्यूज फाइंड कर लो, l वैल्यूज फाइंड कर लो और इनका सम ले लो। तो n वैल्यू फॉर दिस सब शेल इज 2, फॉर s सब शेल n वैल्यू इज 3, लुक एट दैट दिस नंबर इज द नंबर ऑफ n और शेल नंबर, और l वैल्यू फॉर p ऑर्बिटल इज ऑलवेज 1 एंड l वैल्यू फॉर s सब शेल इज 0। तो आपको ऐड करोगे 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 0 3।
नाउ अब इसका सेकंड पार्ट चेक करो, अगर दो सेफ शेल का सेम एन प्लस एल वैल्यू आ जाए तो किसको पहले आना है, जिसकी एन वैल्यू स्मॉल, तो हैविंग स्मॉल एन वैल्यूज, जिसकी एन वैल्यू स्मॉल होगी वो पहले आएगा। तो आप चेक करें इसकी एन वैल्यू 2p की 2 है और 3s की 3 है, मींस 2p शुड कम्स फर्स्ट एंड देन 3s, तो दैट इज द रूल दैट यूज टू अरेंज सब शेल इन द फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम बच्चे इस रूल को ज़हन में रख के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सब शेल। इफ यू हैव फर्स्ट शेल दैट कंटेन 1s, सेकंड शेल कंटेन 2s एंड 2p सब शेल्स, थर्ड कंटेन 3s, 3p एंड 3d, एंड फोर्थ कंटेन 4s, 4p, 4d एंड 4f। अगर हम इसको अरेंज करें बाय n प्लस l रूल, तो चाहे मैं n वैल्यूज को, l वैल्यूज को और n प्लस l का द्वारा सम फाइंड कर लेता हूं फॉर ऑल दीस सब शेल्स एंड देन अरेंज्ड। अगर आप इन सब के n प्लस l के सम ले लो तो आपको याद करने में काफ़ी और समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो बच्चे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चे इनके n वैल्यूज 1, 2, 2, दिस नंबर रिप्रेजेंट द n वैल्यूज, इसके लिए 3, इसके लिए 4, द l वैल्यूज बाद आप यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। s के लिए बच्चे आपके l वैल्यू 0 है, s के लिए 0 है, p के लिए l वैल्यू दैट्स इक्वल टू 1, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए बच्चे आप चेक करेंगे एल वैल्यू इज 2 एंड एस के लिए एल वैल्यू इज 0। अगर आप इनको ऐड करते हैं 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, तो ये बच्चे मैंने एन प्लस एल वैल्यूज को एड अप किया, एन प्लस एल वैल्यू का आंसर निकाला। अब आप चेक करो 1s और 2s में 1s की एन प्लस एल स्मॉल है तो 1s शुड कम फर्स्ट, देन 2s ऑर्बिटल हैविंग लार्ज एन प्लस एल वैल्यू इट कम्स आफ्टर 1s। नाउ फॉर दीज टू द सम इज सेम, तब आप चेक करोगे n किसका स्मॉल है, तो n फॉर 2p स्मॉल इट शुड कम फर्स्ट एंड देन 3s। आगे बच्चे आप देखोगे इन दोनों में से 3p और 4s में दोनों का सम सेम आ गया और 3d का लार्ज है, 3d तो आखिर में आएगा, मतलब इन दोनों के बाद आएगा, तो 3p और 4s में आप चेक करना क्योंकि सम इक्वल है तो आपकी 3p की n वैल्यू 3 है जबकि 4s की 4 है, तो दैट शुड कम फर्स्ट एंड देन 4s एंड देन 3d, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स बाय n प्लस l रूल। नेक्स्ट वन ऑफ बव प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल रिप्रेजेंट्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो सिंपल स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे, ऐसे सब शेल्स में जिनकी एनर्जी लो होती है। देखो आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो ऊपर की तरफ, आप जा रहे हो स्टेयर्स पे, तो आपका पहला कदम कहाँ होता है, नीचे, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करते हो। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो पहले कहाँ फिल करोगे, जिसकी एनर्जी सबसे लो होगी, और फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता फिल करते जाओगे। तो दैट इज द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स एंटर फर्स्ट इन द सब शेल दैट हैव लो एनर्जी, दैट हैव लो एनर्जी, दैट इज द प्रिंसिपल नेम्ड एज ऑफ बर्फ प्रिंसिपल। नाउ अगर हम इसके डायग्राम ड्रॉ कर लें, आपका जी जो फर्स्ट शेल है दैट कंटेन 1s सब शेल, फर्स्ट शेल में आपका एक सब शेल प्रेजेंट है, सेकंड शेल में बच्चे आपके पास दो सब शेल्स हैं 2s एंड 2p, थर्ड शेल में आपके पास तीन सब शेल प्रेजेंट हैं, दीज आर 3s, 3p एंड 3d, और जो आपका फोर्थ सब शेल है दैट कंटेन्स, जो आपका फोर्थ शेल है दैट कंटेन फोर सब शेल्स 4s, 4p, 4d एंड 4f। सिमिलरली आप अगर आगे मूव करते जाओगे, क्योंकि हमें एफ से आगे नहीं जाना बिकॉज हमारे मैक्सिमम एलिमेंट जब एफ तक पूरे हो जाते हैं, वी राइट 5th शेल एस ऑर्बिटल, देन पी ऑर्बिटल ऑफ 5th शेल, देन डी एंड देन एफ, सो दैट
एनर्जी इंक्रीज डाउनवर्ड। इसको जो समझने की आसान बात, अगर आप डायगनल ड्रॉ कर लेते हो इन दिस मैनर्स तो आपको फिलिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में काफी आसानी होती है। आप चेक करना, वन एस हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, देन टू एस, आप इसके हेड टू टेल फॉलो करते जाओ, वन एस टू एस देन टू पी थ्री एस। मैं ये टेल टू हेड फॉलो कर रहा हूँ तो टू पी थ्री एस मीन्स टू पी लेस देन थ्री एस, देन थ्री पी फोर एस, देन थ्री डी फोर पी फाइव एस, थ्री डी लेस देन फोर पी लेस देन फाइव एस एंड सो ऑन। आगे आप मूव करते जाए तो आपके आंसर आते जाओ। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम। पॉलिस प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन और पॉलिस प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बच्चे इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन भी देखते हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर बाय दिस प्रिंसिपल अगर किसी ऑर्बिटल में आप दो इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। अगर एक की स्पिन पॉजिटिव 1/2 है तो सेकेंड की नेगेटिव 1/2, मतलब अगर एक की क्लॉकवाइज तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, और अगर पहले की एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे वाले की क्लॉकवाइज। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल प्रपोज बाय पॉलिस, दैट इज कि अगर आपके दो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में आ जाएं, एस में आ जाएं, पी एक्स में आ जाएं, पी वाई कहीं पर भी आ जाएं, तो जब आप दो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में प्लेस करोगे इनकी स्पिन हमेशा होगी ऑपोजिट। तो वी हैव टू डिफरेंट वेज फॉर डेफिनेशन। नाउ नंबर वन, इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन सेम ऑर्बिटल they have opposite spin, it is not possible for an atom having electron with all the same quantum numbers. तो दैट इज द स्टेटमेंट। मीन्स आपने पढ़ा थी चार क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शोन बाय एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर शोन बाय एल, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एंड स्पिन क्वांटम नंबर एस। तो आपसे ये रूल की स्टेटमेंट है कि किसी भी ऑर्बिटल में चारों सेम नहीं हो सकते क्वांटम नंबर, तीन सेम हो सकते हैं। अगर तीन सेम हो भी जाए तो आप चेक करो स्पिन की सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, या +1/2 या -1/2, तो स्पिन कभी भी उनकी सेम नहीं होगी। और इसे कि जब इलेक्ट्रॉन आप प्लेस करोगे किसी भी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगी। दैट इज द बेसिक थीम फॉर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन द लास्ट वन जी, हुंड्स रूल। अच्छा, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, देन वी टेक सम एग्जांपल्स। नाउ इफ डी जनरेट ऑर्बिटल्स, if degenerate orbitals, अच्छा degenerate stand for ऐसे orbital जिनकी same energy होती है। like आपके पास p में तीन degenerate orbitals हम पढ़ चुके जी, px, py and pz, इनकी orientation different है मगर energy इनकी same है, तो बच्चे इनका नाम है degenerate orbitals। तो if degenerate orbitals are available and more than one electrons are to be placed, आप उनको कैसे प्लेस करोगे? Then electrons are placed in separate orbitals, आप उनको separate रखोगे, अलग अलग प्लेस करोगे in separate orbital With same spin, आपने उनकी स्पिन भी सेम रखनी है, उनको सेपरेट प्लेस कर देना है, उनकी स्पिन ऑपोजिट नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो वेरी सिंपल बच्चे, आपके पास N7 है, आप इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहे हो N के अंदर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब बच्चे आपके पास 2p की बारी है और इसमें 2 4 5 6 7 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आप प्लेस कैसे करोगे? आपका पहला काम आप इसको ओपन करें बाय डी जनरेट ऑर्बिटल्स px2px2py2pz। आपने 3 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं एंड दे आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। रूल इज दैट आप इनको प्लेस करोगे सेपरेटली अलग अलग और उनकी स्पिन भी सेम रखोगे आइदर अबव और बिलो, ये आपकी मर्जी। तो दैट इज द वे, जब आपने प्लेस करना इलेक्ट्रॉन तो आप उसको सेपरेट अलग अलग प्लेस करें और उनकी स्पिन भी सेम रखें। देखिए बच्चे सिंपल सी बात है, जब आप लोग क्लास में बैठते हो और चेयर्स अवेलेबल हैं और बच्चे भी ज़्यादा हैं तो आप क्या करते हो, आप नॉर्मली सेपरेट सेपरेट चेयर से बैठते हैं और आपका मुंह भी सबका एक तरफ होता है टुवर्ड्स द वाइट बोर्ड। दैट्स द वे ये मैं फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं इन द सेम डायरेक्शन, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन पर ही मूव करते हैं। ये भी राइट लाइट फ्लोरी 9, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, अब आप क्या करेंगे जी, अगेन 1s2 2s2 आप इसको ओपन कर लें 2px 2py एंड 2pz। अब आप चेक करोगे पी में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन 9 है 2 4, पहले आप सारों को एक एक दें और स्पिन भी सेम रखें 4 5 6 7, अब जगह खत्म हो गई, अब आपको इलेक्ट्रॉन 9 पूरे करने हैं और 7 हो चुके, देन 8 एंड 9, देन यू फॉलो पॉलिस प्रिंसिपल। जब आपके दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में आएंगे तो उनकी स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगी। तो ये बच्चे आपका था हुंस रूल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको बहुत ध्यान से तैयारी करना है बिकॉज ये हमारे आगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इस्तेमाल होते हैं इन योर DBT हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द रूल जो कि एप्लीकेबल है, और इवन आपके MOT में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में भी यही रूल्स फॉलो होते हैं। तो बच्चे आज इसको हम यहाँ पर एंड करेंगे।